डेली पेट्रोल बढ़ने से किसी को पता ही नहीं चलता कि कब बढ़ा, क्या बढ़ा, कितना बढ़ा। अच्छे दिन यही है, अच्छे दिन है, क्या कर दिया, देश को बर्बाद कर रहा। ये तो गलत है, उस पर एक्शन लेंगे ना मोदी जी। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं जयप्रकाश नगर के पेट्रोल पंप पर हूँ। और अगर देश में अच्छे दिन और बुरे दिन सिर्फ तीन चीज़ों पर निर्भर करता है, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है, डीजल का दाम बढ़ जाता है, गैस का दाम बढ़ जाता है, तो बुरे दिन आ जाते हैं। और पेट्रोल डीजल और गैस का दाम घट जाता है तो अच्छे दिन आ जाते हैं। बाबा रामदेव बोले थे अगर हम बीजेपी की सरकार बनती है तो पेट्रोल डीजल का दाम घट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी सरकार आने से पहले उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन का वादा किया था। अब हम लोगों से मिलते हैं और उनसे बात करेंगे कि अच्छे दिन है या बुरे दिन है। भैया, जिस तरीके से पेट्रोल का दाम हर रोज बढ़ रहा है और लोगों को पता नहीं चल रहा है, मीडिया वाले भी नहीं दिखाते हैं, ना तो कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाता है, ना तो प्रिंट मीडिया दिखाता है। पहले दिखाता था तो लोगों को पता होता था कि अब तेल का दाम बढ़ गया है और महंगाई हर रोज़ बढ़ रही है। क्या आपको पता चल रहा है कि तेल का दाम बढ़ रहा है? तेल का रेट सर कंटिन्यू बढ़ा, चूँकि हम लोग तो पंप पर आते हैं, तो यहाँ तो सर हर दिन ₹2, ₹1, ₹2, ₹1, ये 70 से ये रेट आज 90 पॉइंट समथिंग हो गया है। ठीक है, तो रेट सर कंटिन्यू बढ़ रहा है। गवर्नमेंट का रेट बढ़ता है ₹2 और घटता है 0.25, तो ओवरऑल सर ये रेट कंटिन्यू बढ़ रहा है। साल भर में सर इनकमिंग ऑफ द रेट ₹10 पर लीटर बढ़ चुका है पेट्रोल का रेट। तो क्या लगता है कि अच्छे दिन का अनुभव ले रहा है या बुरे दिन? अच्छा दिन कहाँ से सर, जब महंगाई आ रही है उस हिसाब से आपका सर पेमेंट सैलरी नहीं है, तो अच्छा दिन कहाँ से सर? अच्छा दिन नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पेपर वाले प्रिंट मीडिया दिखाते थे कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, तो लोगों को पता होता था कि अब पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। लेकिन अब ना मीडिया दिखाते, ना इस पे डिबेट होता है, ना तो प्रिंट मीडिया अपने हेडलाइन में इसको जगह दे, तो लोगों को पता नहीं होता है। पेट्रोल पंप पे आते हैं तो उनको लगता है कि फिर से दाम बढ़ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ के लोग, यहाँ जो पेट्रोल भराने आ रहे हैं उनसे बात करते हैं कि अच्छे दिन है या बुरे दिन है। क्या कहिएगा सर, अच्छे दिन है कि बुरे दिन है? बुरे दिन है, बुरे दिन। तो पता चलता है कि तेल का दाम बढ़ रहा है? बोल नहीं जी, कुछ नहीं पता लग रहा है। अचानक यहाँ ये पेट्रोल पंप पर आते हैं तो लगता है कि तेल का दाम बढ़ गया। हर रोज बढ़ रहा है, दो दिन चार दिन पर बढ़ते जा रहा है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसका। देखिए, यहाँ पेट्रोल पंप पे जो ग्राहक आते हैं वो सीधे कहते हैं कि भैया हमको ₹50 का तेल दीजिए, ₹100 का तेल दे दीजिए, लेकिन भैया को ये नहीं पता होता है उनके टंकी में कितना लीटर तेल गया है। सिर्फ उनको लगता है कि हमने ₹100 का तेल लिया और ₹100 का मिल गया और चले गए। वो कमाते भी हैं और लेकिन टिकता नहीं उनके पॉकेट में पैसा। और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे, इनका क्या कहना है? अच्छा दिन है या बुरा दिन? बुरा दिन है सर। कैसे बुरा दिन है? रेट बढ़ ही रहा, हमेशा तेल का रेट बढ़ ही रहा है। सरकार तो बोल रही है अच्छे दिन है, क्या बोले? अच्छे दिन नहीं है? नहीं सर। देखिए, इनका कहना है अच्छे दिन नहीं है। और बाजार जो होता है पूरा मार्केट टिका होता है पेट्रोल पे, डीजल पे और गैस पे। अगर ये तीनों का रेट बढ़ता है तो पूरे चीज का रेट बढ़ जाता है। और भी लोग हमारे साथ, हम इनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके से हर रोज पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है और प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसको नहीं दिखा रही है, ना तो डिबेट करती इस पे, ना तो कोई खबर बना के चलाती है, लोगों को पता नहीं होता है। यहाँ आप बोलते हैं भैया ₹100 का तेल दे दियो, ₹100 का देखते हैं मीटर, ₹100 का मिल गया, लेकिन टंकी में कितना लीटर गया लोगों को पता नहीं होता है। तो ये जो छुपाने वाला जो राज चल रहा है और जो बड़े मीडिया है, जो पार्टी पार्टी खेल रही है, उससे कितना नाराज हैं आप? बहुत नाराज है। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार को ठीक नहीं है। सरकार तो बोल रही है अच्छे दिन आ गए, सब चीज अच्छा है, सब महंगा हो रहा है, अच्छे दिन क्या हुआ? सिर्फ मीडिया वाला, जितने गोदी मीडिया जिसको बोला जाता है, वो सरकार जो भी कहेगा वो बढ़िया कर देता है, विपक्ष कोई बोलता तो करते। मोदी मीडिया जो सरकार जो अगर खराब भी कर रहा है तो उसको अच्छा करता है, लोग अच्छा भी कर रहा है तो उसका। आपको मालूम है कि पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है, हर रोज बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है। कैसे मालूम होता है? कोई तो बताने वाला तो है नहीं, आप पेट्रोल पंप पे आते हैं तो पता चलता है। पता चलता है। देखिए, पेट्रोल पंप पे आते हैं तो इनको पता चलता है कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया। जिस तरीके से पहले पता होता था कि प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बताती थी कि आधी रात से पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, लेकिन अब नहीं बताते, ना तो कोई इस पे डिबेट करते हैं। तो हम लोगों से जानने के लिए निकल पड़े हैं कि लोगों का क्या मानना है, क्या इनको पता होता है? या ₹100 का तेल लेते हैं, मीटर देखते हैं और कितना लीटर तेल गया, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या करें, ऐसा सरकार से हम लोग पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है जी, हर रोज रेट बढ़ता है, पता चलता है कि रेट बढ़ रहा है? बिल्कुल पता कहाँ चल रहा है। यह पेट्रोल पंप पे जो कर्मी होते हैं वो भी उसके चपेट में आते हैं, आम लोग से लेकर खास लोग तक सभी इसके चपेट में आते हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल और सिलेंडर एक ऐसा चीज़ है, इसी पे पूरा मार्केट टिका हुआ है, इसी पे पूरा बजट टिका हुआ है। अगर ये तीन चीज़ का बजट बढ़ जाता है तो सारी चीज़ का बजट बढ़ जाता है, सारी चीज़ का महंगाई हो जाता है। हम इनसे बात करते हैं यहाँ पे तेल कर्मी, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि इतना रेट हो गया है, जो कि कस्टमर लोग जो आते हैं और कहते हैं कि क्या मोदी जी कर दिया है, अच्छे दिन यही है, अच्छे दिन है, क्या कर दिया, देश को बर्बाद कर रहा। बाबा रामदेव तो कहे थे कि ₹40 पेट्रोल कर देंगे जी, ₹40 हम तो
हम तो 6 साल से काम कर रहे हैं, 55 रुपये से कम कभी हुआ नहीं मेरे रीजन में, समझे 55 से ऊपर ही रहा है। देखिए हाँ। ये भी खुश नहीं है। सरकार कही थी कि अगर हमारी सरकार आती है, बीजेपी चुनाव से पहले सरकार में आने से पहले बोली थी कि हमारी सरकार आती है तो हम अच्छे दिन का वादा करते हैं, पेट्रोल 40 रुपये हो जाएगा, डीजल 30 रुपये हो जाएगा, 400 का सिलेंडर मिलेगा, आप क्या कहेंगे इसको? ये तो गलत है, नहीं हो रहा है तो मोदी सरकार को क्या कहेंगे? मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं। मोदी जी अच्छे हैं तो सरकार भी तो वही है। वो तो अच्छे ही है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल और गैस सिलेंडर अगर का तीनों का दाम बढ़ता है तो सब चीज़ का दाम बढ़ता है। क्या कहेंगे आप? ये तो गलत है, अब उस पर एक्शन लेंगे ना मोदी जी। कब लेंगे? लेंगे ही, अब कब लें ना ले वो तो लेंगे, लेना जरूरी है। अच्छा, लेना जरूरी है। हाँ। कैसे लेंगे? आप जब बोल रहे हैं अच्छे हैं तो वो तो क्यों लेंगे? चलिए ये कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छे हैं लेकिन दाम बढ़ रहा है, बजट बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, इसको लेकर इनका कहना है कि मोदी जी अच्छे हैं, इस पे एक्शन लेंगे। आप देखते हैं कब तक वो एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से सरकार कही थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम अच्छे दिन का वादा करते हैं और तेल सस्ता हो जाएगा, 40 रुपये लीटर तेल मिलेगा, डीजल 30 रुपये मिलेगा, 400 का सिलेंडर मिलेगा, क्या कहेंगे सरकार से? अच्छे दिन आ गए? यही कहेंगे सरकार से कि बहुत ख़राब दिन आ गया। और डायलेमा देखिए कि यहाँ से पेट्रोल लेके बांग्लादेश नेपाल हमसे सस्ता बेच रहा है और इंडिया में ही महंगा है, समझिए। इतना टैक्स 35 रुपये सरकार का खरीदारी है। मनमोहन सरकार में जब था डॉलर प्रति बैरल मोदी सरकार से महंगा था, लेकिन आज उससे भी महंगा हम लोग को तेल मिल रहा है, जबकि मनमोहन सरकार से सस्ता है मोदी सरकार में। फिर भी इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का टैक्स कम करना चाहिए। हर रोज पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो लोगों को पता नहीं चलता, जब पेट्रोल पंप पे आता है तब पता चलता है, इसके पर इस पे क्या कहेंगे? गलत नियम है, डेली पेट्रोल बढ़ने से किसी को पता ही नहीं चलता कि कब बढ़ा, क्या बढ़ा, कितना बढ़ा। इससे अच्छा है कि फिक्स कर दे कितना दिन पे बढ़े घटेगा, उसका पहले वाला सिस्टम सही था। आपको लगता है मीडिया अपना जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रही है? कुछ गोदी मीडिया है, बाकी बहुत अच्छा मीडिया भी है जो अपना जिम्मेदारी सही से निभा रहा है। अब जैसे आप रिपोर्टिंग करने आए, बढ़िया मीडिया तो आया भी नहीं है यहाँ पर करने कोई। चलिए, इनका कहना कुछ गोदी मीडिया है जो कि इस चीज़ों को दबाने का काम करती है, लेकिन हम इस तरह का मुद्दे को दबने नहीं देंगे, हम उठाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कर लें। नमस्कार।